हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं प्रयोग क्रमांक तीन। ये प्रयोग क्रमांक तीन आपको कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है उद्देश्य। उद्देश्य लिख लेने के बाद इसमें आपको लिखना है खाद्य पदार्थों के समूह। तो खाद्य पदार्थों के इस समूह को आपको लिखना होगा। इसे लिखना है, लेकिन ये बाकी के हिस्से आपको नहीं लिखना है, जैसे इसे। उसके बाद यहाँ आपको आगे लिखना है आवश्यक सामान। आवश्यक सामान को लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको इन प्रक्रिया को नहीं लिखना है। इसे भी नहीं लिखना है। और अंतिम में आपको लिखना होगा इस टॉपिक को। बॉक्स में आप इसको लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये क्रमांक हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का नाम जैसे सेब, दाल, मक्खन, घी, चावल। मुख्य पोषक तत्व इसमें क्या है उसको बताना है, जैसे आयरन, प्रोटीन, वसा, वसा, कार्बोहाइड्रेट। और कौन से समूह में, तो आयरन समूह 4 में है और प्रोटीन यानी जो दाल है वो समूह 2 में। फिर इसी प्रकार समूह 5, 5 और समूह 1, इस प्रकार से। ये अंत में ये निष्कर्ष भी आपको नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग क्रमांक 3 कंप्लीट हो जाएगा।